हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं कुछ कारणों से जो है सामने नहीं आ पा रही हूँ, तो आप लोगों को जो है मैं ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ, तो प्लीज़ कॉपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। और समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करके जो भी बातें हैं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीत, रीत में क्या होगा? रीत तो वर्ड आपने सुना होगा, है ना। रीत क्या होता है? रीत कुछ नहीं है, जैसे हम सुनते आते हैं कि रीत, मतलब सदियों से हम ऐसा सुनते आते हैं, कभी कभी सुनते हैं कि सदियों से ये रीत चली आ रही है। रीत का मतलब क्या हुआ कि एक नियम चला आ रहा है, और वो नियम कैसा होगा? उचित। उचित जो चीज़ उचित होगा वही तो आगे जाके नियम बनता है ना। तो रीत का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होगा? रीत का शाब्दिक अर्थ है उचित। उचित क्या होगा? उचित वह जो नियमानुसार हो, मतलब जो नियम के अनुसार होगा वही चीजें क्या होगी? उचित होगी। क्लियर, बात समझ में आई? अब देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद में मैंने देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं उस पॉइंट्स के जरिए आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो रीत, रीत को देखो, रीत को जो है ऋग्वेद, हम इतिहास पढ़े हैं जहाँ पे आपने रीत वर्ड सुना ही होगा, रीत वर्ड जो है आपने इतिहास में सुना ही होगा। तो रीत वर्ड को जो है ऋग्वेद में देवता की संज्ञा दी गई है ना, देवता की संज्ञा दी गई। और ये कहा गया कि सभी चराचर विश्व का आधार रीत ही है, सभी चराचर विश्व का आधार रीत ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र मौसम परिवर्तन रात और दिन, सभी ये क्या है? नियमित रूप से गतिशील होते हैं, चराचर विश्व का आधार है बोल रहे हैं ना। तो रीत क्या है? चल रहा है, वो कभी रुकता नहीं है, वो एक नियम से चल रहा है, उसका अपना एक नियम फिक्स है, उस नियम के अनुसार वो चल रहा है। जैसे कि सूर्य और चंद्र तारे नक्षत्र दिन और रात मौसम परिवर्तन मैंने अभी बताया, इनका अपना नियमित रूप से ये कैसे हैं? गतिशील हैं, है ना, गतिशील। रीत जो है जैसे कि नदियां, नदी का बहना, नदी भी अपने जो है हमेशा बहते रहती है, गतिशील रहती है ना। पर्वत निश्चल रूप से अडिग है, वो एक जगह खड़ा हुआ है, इसका अपना रीत है कि वो एक जगह अडिग रहेगा, खड़ा हुआ रहेगा। देखो इसी तरह से जो है विश्व की जो सृष्टि पालन और विनाश रीत द्वारा ही होता है। अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारे सृष्टि का पालन पोषण होता रहेगा, लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध चलेंगे तो क्या होगा? इस सृष्टि का विनाश होगा। यानी कि प्रकृति का अपना कुछ नियम है, अपना कुछ रीत है, वो डिसाइड है, उसके अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? सृष्टि का पालन पोषण सही होगा, लेकिन अगर उसके विरुद्ध चलेंगे तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश भी होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कि रीत, अब देखो रीत को यहाँ पर देवता की संज्ञा दी गई है ऋग्वेद में, इसलिए जो है रीत को क्या मान लिया गया? सर्वोच्च माना गया, परम सत्ता माना गया, एक तरह से उसको स्वयं ईश्वर माना गया। ये हम पढ़ते हैं ना उस समय, रीत भी एक समय देवता बना रहता है ऋग्वेद काल में, है ना। तो रीत को क्या बोल दिया गया? सर्वोच्च परम सत्ता, एक तरह का स्वयं ईश्वर कहलाया, इसलिए उसका स्वरूप इन लोगों ने किस रूप में स्वीकार किया? तात्विक और धार्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया इसके स्वरूप को। लेकिन अगर हम इसके वास्तविकता में जाएंगे, किसके रीत के वास्तविक स्वरूप में जाएंगे, तो ये नैतिक है। नैतिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्वरूप जो है अच्छा बुरा, नियम के अनुसार नियम के विरुद्ध, इन सब बातों का डिस्कशन होता है, इसलिए इसका ओरिजिनल स्वरूप क्या हो जाएगा? नैतिक है। अब देखो विश्व में जो भी सभी तरह की घटनाएं होती है वो नियमबद्ध होती है, इसलिए क्या कहा गया? इस प्रकार जो है विश्व जो है रीत विश्व का नियामक और व्यवस्थापक है। क्यों कहा गया कि रीत विश्व का नियामक और व्यवस्थापक है? क्योंकि जो भी घटना होगी वो नियमबद्ध होगी। कैसे वो नियमबद्ध कैसे होगी? क्योंकि ये जो है नियमबद्ध इसलिए होगी कि चाहे आप यहाँ इंडिया में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे इंग्लैंड में रहो, विश्व के किसी भी स्थान में जो नियम है वो सभी जगह लागू होगी। इसलिए इसको नियमबद्ध कहा गया और व्यवस्थापक और नियामक कहा गया। मतलब कहीं भी रहो, विश्व के किसी भी स्थान पर रहो, नियम मतलब जो नियम है वही नियम के अनुसार घटनाएं घटेगी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? देखो विश्व में जो भी व्यवस्था पाई जाती है उसका मूल आधार क्या रहेगा? रीति ही रहेगा। संसार में मनुष्य भी हैं, मनुष्य जो है मानव जीवन में भी जो है व्यवस्था का आधार भी रीत है, व्यवस्था का आधार मानव जीवन में भी रीति है। क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे लिए मनुष्य जीवन के लिए भी एक नियम बनाया गया है कि आपको इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि हम चार नियम अपने उसमें पढ़ते हैं ना इतिहास में, हमारे लिए जो है चार नियम स्थापित किए गए हैं मानव जीवन के 25-25 वर्षों के, उसमें बांट कर
विभाजित कर दिया गया है, ब्रह्मचर्य है ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस तरह से चार नियम बांध दिए गए हैं, मतलब चार अवस्था बना दिए गए, तो हमारे लिए एक नियम बंधा हुआ है। इसलिए मानव जीवन का भी, मानव जीवन की व्यवस्था का आधार भी क्या है, रीत है। मानव जीवन व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित तभी होता है जब हम नियम के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम नियम के विरुद्ध काम करेंगे तो क्या मानव जीवन सक्सेसफुल रहेगा? नहीं। लेकिन नियम के अनुसार अगर काम करते हैं तो मानव जीवन सक्सेस रहता है, मतलब हमको सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से नहीं जीते, हमारे उठना बैठना रहना सोना खाना सब गड़बड़ है, तो हमारा जीवन अशांति से है ना भर चुका रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन में। देखो इस रीत में जो है दो तरह की नियम बताए गए हैं। मानव जीवन में जो निहित नियम है उसको नैतिक नियम कहते हैं, और जो समस्त संसार में निहित नियम है उसको प्राकृतिक नियम कहते हैं। इस तरह से रीत का दो अर्थ निकल रहा है, नैतिक नियम और प्राकृतिक नियम। क्लियर? प्राकृतिक नियम क्या होगा? प्राकृतिक नियम जो है, प्राकृतिक नियम प्रकृति या संसार में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, समस्त घटनाएं समान गति से घटेगी। प्राकृतिक नियम में जो हमने वहीं पे पढ़ा ना, विश्व का ये क्या है, नियामक, और वहीं से ये जो है कनेक्ट होता है। कैसे? कि प्रकृति या संसार में होने वाली सभी घटनाएं कैसी होगी? समान और गति समान गति से होगी। ये जो भी घटना है वो कैसी रहेगी? समान गति से होगी। जैसे जैसे कि मान के चलो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर जो है सूर्य आज भी जो है कहाँ से निकल रहा है, पूर्व से अगर सूर्य निकल रहा है तो कल भी वो जो है पूर्व से ही निकलेगा। तब तक निकलेगा जब तक स्थिति आज की जैसी, मतलब आज की स्थिति में अगर सूर्य जो है पूर्व से उग रहा है तो कल भी जो है पूर्व से, स्थितियां वही रही तो वही चीजें होगा। मतलब रीत है, इसके लिए एक नियम है कि सूर्य पूर्व से उगेगा तो उगेगा ही उगेगा, है ना। यानी कि प्रकृति के नियम में क्या है, समरूपता पाया जाता है। चाहे हम यहाँ रहे, इंडिया में रहे या अमेरिका में रहे, सूर्य किधर से निकलता है? पूर्व से ही निकलता है। ये जो है समरूपता नियम कहलाता है प्रकृति के संबंध में। यानी कि प्रकृति का नियम कैसा होगा? प्राकृतिक नियम समरूप होगा। वैसे ही मनुष्य का जन्म व मरण भी प्रकृति के नियम से, हम चाहे विश्व के किसी भी जगह पे जन्म ले, है ना, चाहे इंडिया में जन्म ले या इंडिया के बाहर किसी भी देश में जन्म ले, हम अगर जन्म लिए हैं तो मरेंगे जरूर, है ना। तो इस तरह से ये प्राकृतिक नियम है, जन्म और मरण भी प्राकृतिक नियम है ना, उसी के अनुसार हमारा अब कर्म होता है। चलो अब नेक्स्ट है नैतिक नियम। नैतिक नियम मीन्स क्या? नैतिक नियम जो है मानव कर्म से जुड़ा हुआ है। नैतिक नियम मानव कर्म से जुड़ा हुआ है क्योंकि मानव कर्म से, इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें व्यवस्थित अव्यवस्थित जैसे शब्द आते, अच्छा या बुरा शब्द आते, अच्छे कर्म बुरे कर्म, इस तरह की चीजें आते हैं ना, इसलिए वो नैतिक नियम कहलाते हैं। समझ आई बात? इसलिए जो है अब प्राकृतिक, मतलब कहेंगे कि प्राकृतिक नियम के रूप में रीत समरूपता नियम का ही पर्याय है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राकृतिक नियम कैसा है, समरूपता का ही पर्याय है। क्यों? क्योंकि ये नियम बताता है कि समान परिस्थिति में समान घटना घटती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल देके बताया कि अगर सूर्य पूर्व की ओर उगेगा तो वो कहीं भी रहो, किसी भी विश्व के किसी भी जगह वो पूर्व से ही उगेगा, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद में हमको ये भी बताया गया कि मनुष्य को जो है सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, तप, ये जो भी नैतिक गुण है उसे अपनाने से ही जो है मानव जीवन व्यवस्थित और नियमित रहता है। लेकिन अगर मानव जीवन अगर इससे जाके विपरीत काम करेगा, इन चीजों को छोड़ देगा, इन नियमों को छोड़ के अगर वो उसके विपरीत कार्य करता है तो क्या होगा उसके जीवन में? कष्ट रहेंगे ना, काफी कष्ट रहेगा, अव्यवस्थित रहेगा, अनियमित और अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए हमको क्या बोला गया, जो हमारे सत्य से परिग्रह ब्रह्मचर्य है, क्षमा, करुणा, दान, करुणा, सहानुभूति, परोपकार, इन सारे चीजों को अपनाना चाहिए ताकि मानव जीवन सुखमय हो सके। क्लियर? देखो मानव को जो है नियम के अनुसार ही चलना चाहिए। निष्कर्ष क्या बोलता है कि मानव को नियम के अनुसार ही चलना चाहिए, लेकिन मानव के लिए जो जो रीत डिसाइड किए गए हैं उसके अनुसार ही चलना चाहिए। मानव के जो कर्म, मानव जो रीत है, जो रीत है ना, रीत ही जो है मानव के कर्मों का आधार है। क्योंकि हमको सदैव, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना कि आपको ये काम ऐसे करना है, आपको वो काम वैसे करना है। हर एक चीज के लिए एक नियम बना हुआ है कि आपको रात में सोना है, सुबह उठना है, है ना। इस तरह से एक नियम बना हुआ है, ये एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि ये काम ऐसे होगा, वैसे होगा, सुबह के समय हमको पूजा करना चाहिए। एक तरह से ये नियम है, है ना। इसलिए कहा गया कि रीति मानव के कर्मों का आधार है, और इसलिए कहा जाता है अगर सुखी जीवन जीना है तो हमको रीत के अनुसार, यानी कि नियम के अनुसार अपने जीवन को चलना चाहिए। और अगर एक चीज ये भी कहूंगी कि रीत के गर्भ में कर्म नियम अवस्थित है। कहने का मतलब क्या है, रीत के गर्भ में, मतलब
नियम के अनुसार ही हम अपना जो है कर्म करते हैं। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि रीत के गर्भ में कर्म नियम जो है व्यवस्थित है। ठीक है, ये था पूरा रीत। आपको मैं उम्मीद कर रही हूँ रीत अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आए तो आप लोग प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।